नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा खबर। महाराष्ट्र के तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तुमसर के स्वर्गीय विधायक के बेटे डॉक्टर पंकज कारमोरे ने नाना पटोले के ऊपर लगा 5 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप। राजनीति में मुझे नाराजगी मिली है, मैंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया। आइए जानते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। डॉक्टर पंकज सुभाष चंद्र कारमोरे ने क्या कहा, सुप्रीम पावर न्यूज सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। देखिए, मैं राजनीति से बहुत निराशा मिली है मेरे को राजनीति में। मैं जो मेरे पिताजी का आप वारसा की बात किए थे, वारसा मेरे पिताजी ने मुझे संस्कारों का वारसा दिया हुआ है। मेरे पिताजी ने हमेशा बोला कि राजनीति ये धंधा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कभी पैसा या दारू का वितरण नहीं किया, तो वही वारसा लेके मैं चल रहा हूँ। आज राजनीति राजकारण को मैं गजकरण बोलता हूँ। गजकरण इसलिए कि टिकट बिना पैसे के नहीं मिलती है ना। पिछले बार मैं इंडिपेंडेंट इसलिए लड़ा था क्योंकि मैंने 2 साल अपनी प्रैक्टिस साइड में रख के समाज सेवा करके सामाजिक क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया और मुझे ऐसे आश्वासन मिले थे नाना पटोले जैसे लोगों से कि टिकट तो तुम्हारी है, अगले MLA आप हो, तुम सर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अगले MLA आप रहोगे करके। जब भी मैं उनके ऑफिस में जाता, उनके करीबी लोग मेरे को तुम सर के भावी MLA आए करके ऐसे संबोधित करते थे। फिर आखिरी समय जब टिकट बांटने का आया तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनकी अपेक्षा मेरे से पैसों की है। उन्होंने मेरी टिकट बेच दी विद्यमान MLA को, जिसका सरनेम भी कारमोरे, मैं भी कारमोरे, उसको कारमोरे सरनेम का फ़ायदा हुआ। 5 करोड़ में नाना पटोले ने वो टिकट बेची थी राष्ट्रवादी को, जबकि यहाँ पे कोटा था कांग्रेस का। नाना पटोले ये राजनेता नहीं है, ये धंधा करता है, टिकटें बेचता है। नाना पटोले का सामाजिक योगदान क्या है, उसके क्षेत्र के लिए क्या योगदान किया है उसने, स्टंटमैन है वो, क्या किया है उसने किसानों के लिए? बस धान की पेंडी विधानसभा के सामने जला देना, मतलब किसानों का नेता हो गया क्या? ये तो स्टंट था। उसके बाद उसने किसानों का कोई भी मुद्दा उठाया क्या, कोई भी विषय उठाया क्या? उसने किसानों के लिए क्या लड़ाई की है? उसने भाजपा में रहते हुए इस्तीफा दे दिया, ये भी एक स्टंट था। और कांग्रेस में, कांग्रेस का मुखिया राहुल गांधी जैसा मूर्ख आदमी है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का के विरोध में नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उसने नाना पटोले जैसे स्टंटमैन को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। काम क्या कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ स्टंट कर रहे हैं। नाना पटोले का एक भी काम मुझे ऐसा बता दो जो उसने महाराष्ट्र के हित में किया है, समाज के हित में किया है, लोगों के फायदे के लिए किया है, किसानों के फायदे के लिए किया है। सिर्फ स्टेटमेंट देता है, एक भी कंस्ट्रक्टिव काम, प्रोडक्टिव काम नाना पटोले ने किया है कि अपने क्षेत्र के लिए? भंडारा जिला में तो कांग्रेस को डुबाने का काम उसने किया। मुझे आया था, मुझे पिछली बार भाजपा की टिकट का ऑफर आया था, लेकिन मेरे दादा
स्वर्गीय नारायण राव जी कारे मोरे वो कांग्रेस से दो बार विधायक रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस से एक बार विधायक रहे और दो बार निर्दलीय विधायक रहे। निर्दलीय रहने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को ही समर्थन किया था, तो हमारी विचारधारा तो शुरू से कांग्रेस की थी, सर्वधर्म संभव वाली। वो भाजपा का जब मुझे ऑफर आया तो मैं मुझे इस बात का संकोच हो रहा था कि जिस भाजपा को मैं अभी तक के उसकी निंदा करता रहा, उसके विरोध में बोलता रहा, तो मेरी तो पूरी की पूरी भाषण शैली ही बदल जाएगी। इसलिए मैं भाजपा की टिकट पिछली बार नकारी थी, वो शायद मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे को राजकारण से बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। राजकारण ये धंधा हो गया, ये समाजकारण नहीं रहा। और मैंने इस बार ये इलेक्शन हारने के बाद पिछले 5 सालों में मैं किसी भी सामाजिक कार्य में एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी बदल चुकी है। एक्चुअली पिछले इलेक्शन में मैं इकलौता ऐसा उम्मीदवार था जिसके ऊपर कोई भी गुनहगारी की कलम नहीं थी, कोई भी फ्रॉड की कलम नहीं थी, कोई भी भ्रष्टाचार की कलम नहीं थी। सबसे साफ सुथरा चरित्र मेरा था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सबसे अच्छा था। मेरे पिताजी इस क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक रहे, मेरे दादाजी अपने ज़माने में इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय विधायक रहे। इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार या कोई गुनहगारी का आरोप नहीं था मेरे पिताजी और दादा के ऊपर। और मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी था, मेरा जो पेशा था वैद्यकीय क्षेत्र से आता था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना। बाकी के जो उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े थे, किसी के ऊपर रेप की कलम है तो किसी के ऊपर गुनहगारी की है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचारी की है, कोई नाली का पैसा चुरा लेता है, कोई धान का पैसा चुरा लेता है, कोई रेत का धंधा करता है, ऐसे उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े थे और एक भी उसमें से ग्रेजुएट नहीं। जो विद्यमान MLA है वो चौथी भी पास है कि नहीं पता नहीं, राजू कारे मोरे। उसके बावजूद मैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहा, तो लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूं? लोगों की मानसिकता ही दूषित हो चुकी है। हम तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समाज ही खुद गड्ढे में जाना चाहता है, तो हम क्या करें? मैं इनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं क्या? मैं कितने साल इनके पीछे बर्बाद करूं? इनको समझाते रहो कि नहीं अरे भाई मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रोडक्टिव काम करना चाहता हूं, क्षेत्र के लिए अच्छा करना चाहता हूं, ये समझने को तैयार नहीं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ।